हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे सोल सेकंड सेमेस्टर का। अभी कुछ कोर्सेज़ के रिजल्ट आए, सारे तो नहीं आए, कुछ कोर्सेज़ के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। पहला बी कॉम ऑनर्स का रिजल्ट आ चुका है, दूसरा बी ए ऑनर्स इंग्लिश के भी कुछ स्टूडेंट ने हमें रिजल्ट शेयर किया, और ज़्यादातर स्टूडेंट का अभी तक शो नहीं कर रहा है। तो रिजल्ट तो डिक्लेयर हुए हैं और अभी तक साइट पे अपडेट नहीं हुआ, पर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। मैंने जो वीडियो बनाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक के द्वारा आप रिजल्ट एक बार चेक कर सकते हो, आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो रिजल्ट चेक करते टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम शो कर रही होगी। पहली प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। जब भी आप रिजल्ट लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है यू आर कनेक्शन नॉट प्राइवेट। ये प्रॉब्लम अगर आपको आती है, इसको लेकर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो तब भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। अगर आपसे ये प्रॉब्लम आती है, पॉपअप आता है यू आर कनेक्शन इज प्राइवेट, तो सिंपली आपको एडवांस पे क्लिक करना है, फिर अनसेव पे क्लिक कर देना है, आपका जो पोर्टल है खुल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बीकॉम ऑनर्स का जो कोर्स सब्जेक्ट है उसमें एब्सेंट दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, यानी एब्सेंट भी आई और एफ आई है। तो यानी ऑफलाइन एग्जाम में भी पेपर देते हुए भी स्टूडेंट को एब्सेंट कर दिया गया है, ए भी कर दिया गया है, और एफ भी कई स्टूडेंट को एक से ज़्यादा पेपरों में उन्हें फेल भी कर दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आगे करना क्या है, तो इसी को लेकर मैं बात करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो देखिए, पहली चीज़, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रिजल्ट है, कोई ऑफर नहीं आई है। ठीक है, पहली चीज़, अगर एब्सेंट आ गया है, तो मैं एब्सेंट का आपको बता देता हूँ। ऐसी कंडीशन में आपको एक बार सोल विजिट करना है, सोल विजिट करके उनसे बोलना है कि सर मैंने एग्ज़ाम दिया था और मुझे एब्सेंट क्यों लगा दी ऑफलाइन एग्ज़ाम, मैंने मेरा एग्ज़ाम हुआ था उस सेंटर में। तो सोल की तरफ से आपसे डिमांड ये की जाएगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपने जहाँ एग्ज़ाम दिया था, जिस सेंटर पे आपका सेंटर पड़ा था, उस पेपर का जहाँ आपने पेपर दिया, जिस पेपर में आपकी एब्सेंट है, वहाँ से आपको अटेंडेंस सीट लेके आनी पड़ेगी। अटेंडेंस सीट वो ही सीट होती है जिस सीट पे आपने अपनी रोल नंबर, वो आंसर सीट लिखी होगी और अपना रोल नंबर साइन किए होंगे, वो सीट आपको लेके आनी होगी, उस सीट को आपको यहाँ जमा कराना होगा। ठीक है, दूसरा, जिनकी एफ आ रखी है, एफ का मतलब है आप उस पेपर में फेल हो गए हो, आपकी बैक आ गई है, तो उसको पेपर को आपको दोबारा देना होगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस पेपर को आपको दोबारा देना होगा। ये पेपर आपका अगले साल होगा, जिसमें आपकी एफ यानी जीरो आ गई है, इसका जो पेपर है आपको अगले साल देना होगा। इसकी जो फीस है थर्ड सेमेस्टर के साथ पे की जाएगी जब भी एडमिशन शुरू होगा। बाकी ईआर तब दी जाती है जब या तो एब्सेंट आई या एफ आए। बाकी एब्सेंट जिनको भी आई है, वो सोल विजिट करो, सोल से पहले पूछो सर हमें एब्सेंट क्यों लगाया गया, और सोल आपको यही बोलेगा कि जहाँ पे आपने पेपर दिया वहाँ से अटेंडेंस सीट लेकर आओ। वैसे तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हम क्यों लेकर आए, ठीक है, बट इसमें कुछ नहीं कर सकते कि उस सोल ने सिक्स सेमेस्टर के साथ भी यही किया था, साफ साफ बोला गया था अटेंडेंस शीट जो लिया आएगा उसका रिजल्ट हम अपडेट कर देंगे। बाकी मुझे समझ में नहीं आता है इनकी चेकिंग कैसे हुई है, इनका प्रोसेस कैसे हुआ, जो दो महीने के अंदर इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया और उसके बावजूद भी कई ऐसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देकर आए और मुझे बोल लिया कि सर मैं अब प्रजेंट था, मुझे एब्सेंट दे दिया। तो अब आपको धक्के तो थोड़े खाने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूं, धक्के आपको खाने पड़ेंगे। और जिनका रिजल्ट नॉट शो हो रहा है, कोई रिजल्ट आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है बीकॉम ऑनर्स वालों का, 24 घंटे का वेट करें, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा सा वेट, और डिटेल सही से डालें। अगर रिजल्ट तब भी शो नहीं करता, एक बार सोल विजिट कर लेना, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जो भी कई स्टूडेंट का रिजल्ट शो नहीं करता। और बीए ऑनर्स इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं उनसे मैं यही कहूँगा, आप थोड़ा सा वेट करें और चेक करते रहें, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट ने बोला है कि हमारा रिजल्ट शो कर रहा है, और आधे सारे स्टूडेंट कह रहे हैं अभी तक हमारा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है रिजल्ट अपडेट हो रहे हो। बाकी बीकॉम ऑनर्स के सारे कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, बाकी अभी तक जिनका शो नहीं कर रहा वेट करो, शो नहीं लगे, और जिनके में एब्सेंट की प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार सोल विजिट करें, सोल की तरफ से आपको यही बोला जाएगा, वो तो मैंने आपको बताया, आपको अटेंडेंस सीट लानी पड़ेगी। बाकी जिनको एफ आ गया है, जीरो आ गया है, उनको एग्ज़ाम दोबारा देना होगा, उसकी फीस आपको पे करनी होगी थर्ड सेमेस्टर का, इसका एग्ज़ाम आपका अगले साल होगा। मैं आपको बता दूंगा जब भी ईआर का फॉर्म निकलेगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, और देखते हैं क्या बात अब आने वाले टाइम पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हो जिस तरीके से रिजल्ट ये चेक कर रही थी तेज़ी से, मुझे लग नहीं रहा चेकिंग कैसी हो रही है। एक से ज़्यादा स्टूडेंट को एक ही पेपर में फेल किया गया, एक स्टूडेंट को एक से ज़्यादा पेपरों में फेल किया गया है बीकॉम ऑनर्स में। तो देखते हैं, अब तो शाम तक ही पता चलेगा, क्योंकि अब जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो मैंने सोचा एक टॉपिक पर वीडियो लाई जाए ताकि आप सभी के डाउट क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।